एवरीबॉडी, दिस इज मुंबई वाला साइन इन विद अ न्यू वीडियो। से अभी जा रहा हूँ एग्वाडा फोर्ट के लिए, तो वहाँ पर कलंगुट बीच के वहाँ मुझे तीन फ्रेंड्स मिल गए। तो इसका एक हैदराबाद से है, तो आपका नाम क्या है? राज। राज तो हैदराबाद से है। एक बार वन बाय वन सब तीन जने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे। और आपका नाम? डेनी। बिन्नी? डेनी। डेनी, डेनी। कहाँ से हो? निज़ामबाद। निज़ामबाद हैदराबाद के यहीं पर रहता है क्या? और एक है जो नांदेड़ के है, मराठी है। महाराष्ट्र, नांदेड़। फिर तुम लोग तीन जन कैसे मिले एक साथ? फ्रेंड है, वो नांदेड़ के रहता ना। हाँ, रिलेशन है इसका। अच्छा, इसका रिलेशन वाले है क्या? ओके, तो हम तीनों जा रहे हैं अभी एग्वाडा फोर्ट के लिए। तो मेरा प्लान था पहले कि फिर से घर पे चले जाऊँगा मैं, पर इन्होंने बताया कि 9 बजे आई थिंक गोवा में प्राइवेट बसेस पूरा शट डाउन हो जाता है, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है घर पहुँचने। हाँ, लोकल बसेस। हाँ, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है लगता मेरे को पहुँचने के लिए। तो अगर पहुँच भी जाऊँगा तो उसका प्राइसेस लगभग वेरी हाई रहेगा, 500 से 600 रुपया। तो इन्होंने मेरे को अभी एक वन नाइट स्टे करने के लिए कलंगुट बीच के ही पर उन्होंने एक होटल ले लिया, तो वहीं पर मैं आज रात रुकूँगा। तो गोवा की नाइट लाइफ भी मैं आज दिखा दूँगा ब्लॉग में। तो इसका आगे का जो भी ब्लॉग होगा वो गोवा नाइट लाइफ ब्लॉग के ऊपर ही रहेगा। तो वहाँ से उतरने के बाद सिंक्रीन, तो यहाँ से अभी हम चलते जा रहे, तो लगभग ये है किलोमीटर, पता नहीं, लगभग 1 किलोमीटर ही रहेगा। भी नहीं हो रहा है पूरा, बहुत ऊपर है लगता है फोर्ट, बस स्टॉप से ऊपर आई थिंक, और एक दो किलोमीटर चलना पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उससे अच्छा अगर गोवा में अकेले आते हो या दो जन के साथ फ्रेंड्स भी आते हो तो एक्टिवा ले लो, 500 रुपये आपको दिन का, 300-400 रुपया जो भी है एक दिन का आपको रेंट पड़ेगा, पेट्रोल अपना, गाड़ी उनका, उतना ही है ना, 300-400 रुपये से इतना। हाँ, सीजन है, पीक सीजन है ना, तो 700-800 भी होना चाहिए। एक्टिवा? हाँ, एक दिवस अच्छी, एक दिवस अच्छी, और पेट्रोल भी आपला नहीं होगा ये तो कैसे भी दे आपने, रिक्शा आपली पाई गाड़ी वाली है पाई गाड़ी वाली है। तो लगभग चलते चलते अभी 1.5 किलोमीटर हुआ आई थिंक, 1.5 से 2 किलोमीटर, पर फोर्ट का तो कुछ नज़ारा दिख रहा नहीं है ना, फोर्ट दिख रहा है, हम चारों के अलावा कोई अभी ये रोड पे चल के नहीं जा रहा है, सबके पास कुछ ना कुछ व्हीकल्स हैं, बहुत दूर है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा अगर अकेले आते हो और कुछ व्हीकल नहीं है तो एग्वाडा फोर्ट मत आओ, सीधा दूसरा फोर्ट की तरफ निकल जाओ। मैं अकेला रहता तो नहीं आ पाता था, मैं तो नीचे से ही कल्टी ले लेता था। अभी और चलना है भाई आई थिंक थोड़ा, और 500 मीटर और 1 किलोमीटर रहेगा, कितना पता नहीं अभी तक। शाम के बज चुके अभी 5:30 और 6 बजे फोर्ट हो जाता है बंद, मतलब 30 मिनट से ओनली बच गए। आजू बाजू कुछ नहीं, आजू बाजू पूरा तो जंगल है एग्वाडा फोर्ट की तरफ। फोर्ट तो बस स्टैंड तो बहुत ही नीचे है, वो नीचे से आई थिंक ऊपर 3 किलोमीटर तो होगा फोर्ट। तो अभी मेरे पीछे तरफ ये बहुत सारे पीकॉक है, यहाँ पर दिख रहे नहीं दिख रहे पता नहीं, वो देखो उड़ गया, वो देखो जंगल है ना, इसके लिए बहुत सारे पीकॉक भी है यहाँ पर, और भी दिखेंगे आगे आते आते। सो लेट्स सी, हम के 6 बजे तक, पर अभी बजा 5:35 कर रहे हैं, अभी तक कुछ टिकट वगैरह नहीं निकालना दी है, टिकट काढ़ाई चाहिए का विचार था ला। तो देखते हैं अभी टिकट का फेयर कितना है, ये टिकट काउंटर अंदर फोर्ट की तरफ, तो इसका लगभग फेयर पड़ा है 25 रुपीज़। शाम का वक्त है, फोर्ट भी बंद होने की तैयारी में, पर हम अंदर जाने की तैयारी में चल रहे हैं, भीड़ भाड़ तो काफ़ी है। तो वहाँ पर है लाइट हाउस एग्वाडा का,
और इसके बगल में है सिंक्वेरियम बीच। आई थिंक आप सिंक्वेरियम बीच से भी आ सकते हो पोर्ट की तरफ, या ऊपर से अपन को दिख जाएगा, वो भी सिंक्वेरियम का पार्ट है जो। और नीचे से मैं हमको फेयर बताया था लगभग पर पर्सन का 300 रुपीज़, तो उससे अच्छा हम चल के आ गए। अभी जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये टिकट कहाँ चेक होगा अभी तक पता नहीं है, ये तो ऐसे ही लेके रखा है। 30 मिनट ही बचे अभी अपनी तरफ। तो ब्लॉग में मैं फर्स्ट टाइम फोर्ट शूट कर रहा हूँ या एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो कि गोवा में आके एक बड़ा फोर्ट कर रहा हूँ। लगभग गोवा में है लगभग 11 फोर्ट्स और भी है उसमें, जिसमें कि चापोरा फोर्ट भी है उसमें। कुटे अच्छा बोर्ड है तो आता ना दाखो तीसरा सह जन। अरे कैमेरा है इतना इतना का है, शूटिंग है क्या? ओ अच्छा ये क्या है, काई तरी असे राजनीति गुप्त चल। तो ये है अच्छा, इधर टिकट दिखाना है अपन को। इधर ही फाड़ा है टिकट, तो अभी चलते हैं देखते क्या क्या है फोर्ट में। कैसे बस ब्लॉगर ही घूम रहे लगते हैं यहाँ पर जो भी आ रहे हैं। मस्त है भाई, गिम्बल वगैरह लेके घूम रहे बंदे लोग ज़्यादा करके, तो फोटो शूट भी चालू है। तो मैं भी अभी थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम के लिए फोटो निकालता हूँ, पर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो हर वीडियो में बोलना पड़ता है मेरे को। इंस्टाग्राम को जब जाके फॉलो कर दीजिए, इसका आईडी मैं इधर या ऊपर दे दूंगा जो भी है, या डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम का आईडी डाल दूंगा मैं साथ ही साथ। पूरा एक अभी फोर्ट का राउंड मार लेते हैं अपन। तो यही है एगोड़ा फोर्ट जो कि पोर्चुगीज ने बनाया था 16th सेंचुरी में, और लगभग 400 साल हो गया एगोड़ा फोर्ट के लिए। तो उन्होंने अपने सेफ्टी के लिए, अपने हिफाजत के लिए बनवाया था तब जब पोर्चुगीज रूल कर रहे थे गोवा में। तो लगभग 450 साल हो गया अभी। तो ये लगभग बिल्ट हुआ था 1612 में, 1612, तो अभी चल रहा है 2022, तो 1612 मतलब लगभग 400 साल के ऊपर हो गया है। तो अभी फोर्ट हो ना होने लगा था, नीचे तो गया ही नहीं मोस्ट ऑफ ऑल। तो जाते जाते आई थिंक नीचे जाता हूँ, जो कि बैनर लिखा है, हर बैनर के ऊपर लिखा है यहाँ की फोर्ट की हिस्ट्री लिखी गई है। और यहाँ पर कितना पाँचवी जेल से आई थी यहाँ पर, तो फोर्ट अभी पूरा खाली हो गया। मैं आ गया ही शाम को था, उसे बस पकड़ के जाएंगे कलंगुट की तरफ। तो गैलरी भी था, पर गैलरी में मैं सोचा कि जाते समय लोगों पर जाते समय टाइम नहीं मिला। आई थिंक इतना थोड़ा बहुत काम मेरा पर थोड़ा बहुत था, एक पर्सनल ब्लॉग था। चलते हैं फटाफट, थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, जल्दी है पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगा अभी, क्योंकि अभी तो बंद होने आ गया फोर्ट। असला है तो ये है मॉडल ऑफ अपर लोअर फोर्ट एंड एगोड़ा। गोवा की तरफ वो चापोरा फोर्ट है लगभग 20 किलोमीटर। तो ये देखो मैंने बताया था पहले 11 फोर्ट है गोवा में, तो इसमें तो ज़्यादा दिख गए कम से कम 18 फोर्ट्स हैं। चापोरा फोर्ट 20 किलोमीटर। कैंडोलिम फोर्ट
उद्या इथं जाणार आहे मी बेसिलिका ऑफ बॉम तिथं. हां इथं जाणार आहे. इकडेच आहे ना एक्झिट. फिर से जहाँ से एंट्री हुई थी वहीं से हमारी एग्जिट हो रही है फोर्ट के लिए. तो इसी तरह से ये ब्लॉग अभी मैं जाता हूँ इनके रूम पे, तो वहाँ से नाइट लाइफ का ब्लॉग बनाऊँगा. तो इसी तरह ये ब्लॉग हम यहीं पर एंड कर देते हैं. तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. तो तब तक के लिए बाय. ठीक है. स्टे फिट स्टे हेल्दी.